हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल, जिसमें हम देखेंगे लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी इस चैप्टर का हमारे सेकंड पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ज़रूर ऐड हो जाना और बाकी सभी लेक्चर ज़रूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट की लोकेशन कहाँ होती है, इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो बुक में आपके बहुत बड़ी लेंथी बताया गया है, पर यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है। सो दिस डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल सो दैट इट कैन प्रोवाइड द सर्विसेज टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब सिंपल है कि जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है और हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टोर होता है, वो आपने देखा होगा कि फर्स्ट फ्लोर पर होता है और सेंटर में होता है, जिससे कि जो हॉस्पिटल में सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग उसको वो टैबलेट्स और जो भी मेडिसिन है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है और जो भी मेडिसिन है, सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से आप उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सके और उन सभी प्रोडक्ट्स को, मेडिसिन को सभी डिपार्टमेंट को दे सके। तो ये होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन कहाँ पर होती है, फर्स्ट फ्लोर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर में हॉस्पिटल के सेंटर में। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं लेआउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। तो यहाँ पर जो भी लेआउट मैंने दिखाया है वो मेरे नोट्स का है, बहुत शॉर्ट में है। आगे हम जो भी आपके बुक में दिया है वो लेआउट्स देखेंगे। तो जो भी शॉर्ट में है, अगर आप ये आगे वाले अगर नहीं याद रख पाएंगे तो इसको याद रख लेना, पर आगे वाले रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट किस तरह का होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर बोथ इनपेशेंट एंड आउट पेशेंट। मतलब जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, मतलब हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टोर होता है, वो दोनों के लिए काम करता है। इन पेशेंट मतलब जो एडमिट पेशेंट्स है वो, और ये आउट पेशेंट मतलब जो सिर्फ आते हैं ट्रीटमेंट लेकर चले जाते हैं, वो ये आउट पेशेंट, ये दोनों के लिए भी वर्क करता है और दोनों के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल में आने के बाद रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करता है, जनरल चेकअप, जो भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका नाम वगैरह लिया जाएगा वहाँ पर, और जो भी उसका चेकअप किया जाएगा बाद में, और चेकअप करने के बाद जो भी डिसीज डिटेक्ट होगा और जो भी उनको कोई प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड उसको क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, उनको ट्रीटमेंट दी जाएंगी, और बाद में हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, मतलब मेडिकल स्टोर में जाएंगे, उनको जो भी मेडिसिन दिए है वो लेकर चले जाएंगे। तो आउट पेशेंट मतलब जो भी चले जाते उनको आउट पेशेंट करते कहते हैं, और जो क्लिनिकल सर्विस लेने के लिए अगर उनको लंबी क्लिनिकल सर्विस चाहिए और एडमिट हो जाते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर नीचे ब्रैकेट में आउट पेशेंट लिखा है। सो ये रहा मेरे खुद के नोट्स का था, मतलब मेरे जो भी है, मैंने जब भी स्टडी की थी तो इस चार्ट का यूज़ किया था मैंने। तो अभी जो आपको बुक में है उसको मैं देखता हूँ, मतलब कुछ लोगों ने मुझे चार्ट भी सेंड किया था, चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने तब प्रॉमिस किया था जब लेक्चर्स लेंगे मैं तब आपको चार्ट ज़रूर लेक्चर में समझाऊंगी। अगर आपने मुझे मैसेज किया तो अभी आप देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ मैं देख रहा हूँ वीडियो। द फॉलोइंग चार्ट इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ द आउट पेशेंट। तो देखो ये अभी चार्ट है, आपको लगेगा जब ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं भी लग सकता है। तो देखो बहुत सिंपल है, पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, रजिस्ट्रेशन करता है, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट काउंट होता है, पेमेंट काउंटर होता है। मतलब जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो अंदर आपको वहाँ पर क्या दिखता है, रजिस्ट्रेशन को करने के लिए और करने और पेमेंट काउंटर आगे ही होता है बहुत सारे हॉस्पिटल का। तो आप यहाँ पर अभी उसके आगे क्या होता है, देखो ओल्ड पेशेंट को जो भी सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किए गए जो भी पेशेंट्स होते हैं, मतलब ऑलरेडी वहाँ पर उनकी क्लिनिकल सर्विसेज चल रही है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, वो पेशेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लिनिकल सर्विस के लिए चले जाते हैं। मतलब उनको पता होता है कि कहाँ जाना है, वहाँ उस डॉक्टर के पास, उस फिजिशियन के पास अपनी फाइल लेकर चले जाते हैं। और बाद में अगर उनको देखो आउट मतलब यहाँ से वो चले जाते हैं, बस सबसे पहले देखते हैं जब भी उनकी सर्विस ले ली, उनको अगर कुछ मेडिसिन दी जाती है तो फिर से वहाँ पर कहाँ जाएंगे, पेमेंट काउंटर पर जाएंगे, जहाँ पर उनकी क्लिनिकल सर्विसेज का पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद जो भी मेडिसिन दिए वो यहाँ से मेडिसिन कलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ से, और मेडिसिन फार्मेसिस्ट कलेक्ट करके चले जाएगा। और जिनको मेडिसिन के बारे में कुछ अगर उनके सिर्फ चेकअप किया, क्लिनिकल सर्विस की, उसके बाद उनको मेडिसिन नहीं अगर एडवाइस की गए तो डायरेक्टली वहाँ से वो घर चले जाएंगे। तो अगर आप ये था ओल्ड पेशेंट के लिए, अभी बात करते जो भी नए पेशेंट जब भी सबसे पहली बार जाएंगे और सबसे पहली बार हॉस्पिटल में जाते हैं वो पेशेंट, तो रजिस्ट्रेशन किया,
उसके आगे क्या करेंगे, उनको जनरल चेकअप के लिए जाएंगे। मतलब जब आपने सबसे पहले देखा होगा कोई भी अगर पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उसके जनरल चेकअप के लिए ले जाता है, लिया जाता है, उसकी यूरिन टेस्ट होती है और अलग अलग, आपको पता होगा कि सभी बीपी चेक किया जाता है, सब कुछ उसके अगर कौन सा डिसीज है उस पर डिपेंड है, वो सब कुछ जनरल चेकअप करते हैं। बाद में चेकअप करने के बाद जो भी डिसीज डिटेक्ट होता है उसको ट्रीटमेंट देते हैं, क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको, अगर वो नॉर्मल है, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको मेडिसिन ने एडवाइस की गई तो वहाँ से चला जाता है। अगर उसको कुछ मेडिसिन लेने हैं तो फिर से यहाँ पर आएगा, उसका जो भी पेमेंट है सब कुछ करेगा और बाद में उसके जो भी मेडिसिन बताए गए हैं वो सब कुछ मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाएगा। ये था, ये थोड़ा पुराना था, ये उसका चार्ट था, मतलब लेआउट था हॉस्पिटल का। उसके बाद अभी देखते हैं जो भी थोड़ा अपडेटेड था उस बुक में, दो थे तो अभी सेकंड क्या देखो शॉर्ट में। पेशेंट आता है, रजिस्ट्रेशन करता है, जो भी ओल्ड मतलब ओल्ड पेशेंट होते हैं जहाँ डायरेक्टली जाकर क्या करते हैं, सर्विसेज लेते हैं पुराने, अगर उनको मेडिसिन लेने के लिए बताए गए हैं तो यहाँ से फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट पर जाएंगे और चले जाएंगे, अगर नहीं बताए गए तो वहाँ से डायरेक्टली चले जाएंगे अगर उनको मेडिसिन लेने के लिए बताए गए। तो अगर क्लिनिकल सर्विस, अभी न्यू पेशेंट जाते उनका जनरल चेकअप करते डॉक्टर से, और डॉक्टर चेक करने के बाद अगर उनको पेशेंट नॉट रिगार्डिंग मतलब रिगार्डिंग फर्दर अटेंशन, मतलब अगर ऑपरेशन को कुछ भी चेक करने के बाद अगर ऑपरेशन नॉर्मली कोई उसको प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ से चला जाता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसको अटेंशन देने की ज़रूरत है, कोई उसको डिसीज़ है ज़्यादा सीरियस या कुछ भी अगर उसको डिसीज़ है चेकअप करने के बाद पता चल जाता है तो क्लिनिकल सर्विस लेगा, और सिंपल अगर मेडिसिन नहीं लेने तो डायरेक्टली चल जाएंगे। अगर मेडिसिन लेने के लिए बताया गई है, मेडिसिन एडवाइस की गई है तो यहाँ से सिंपल जो भी मेडिसिन है उसको कलेक्ट करेंगे, उसके पेमेंट करेंगे और चला जाएगा। ये था एक थोड़ा अपडेटेड लेआउट था हॉस्पिटल का। तो हमने अभी यहाँ तक क्या देखा, हमने लेआउट देखा, हमने लोकेशन देखी हॉस्पिटल की, और अभी हम बाद में देखने वाले हैं फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, हम किसके बेसिस पर देखेंगे, बेड साइज पर, मतलब कितने बेड्स है और मतलब स्पेसिफिकली एक्स वाई जेड बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, इस हिसाब से देखिए। तभी ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले बेड स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। अगर अप टू मतलब अगर 50 बेड है, मतलब एक से लेकर 50 बेड है, मतलब एक से 50 के बीच में अगर आपकी बेड की स्ट्रेंथ है और आपके हॉस्पिटल में बेड है तो मिनिमम उस बेड में तीन फार्म मतलब उस हॉस्पिटल में तीन फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर अगर 100 बेड है, मतलब किसी अगर 50 से लेकर 100 तक अगर किसके पास बेड्स है, बेड साइज़ है हॉस्पिटल में, तो उसमें 5 मतलब 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अप टू 200 मतलब 100 से आगे, मतलब 100 से लेकर 200 तक अगर बेड्स है तो उसमें 8 फार्मासिस्ट की ज़रूरत है हॉस्पिटल में। अगर 300 तक बेड से 200 से आगे तो उसमें उस हॉस्पिटल में 10 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। और आगे अभी 500 तक बेड से तो उसके आगे 15 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये आपके बुक में दिया गया बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से आप फार्मासिस्ट के रिक्वायरमेंट है, आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना और आपको यहाँ पर रट्टा मारना ही पड़ेगा, और किसी भी सिंपल ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि कितने बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। सो आई होप आपने लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर लास्ट तक आपने लेक्चर देखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपने लास्ट तक लेक्चर देखा है। आई थिंक क्योंकि ये सबसे शॉर्ट लेक्चर था इसलिए बहुत लोगों ने लास्ट तक देखा होगा। तो देखो, इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट यूर सेल्फ, एक कॉट मतलब एक अच्छी चीज़ बताता और एक मतलब एक मोटिवेशनल कोट बताना चाहूँगा। हर लेक्चर के बाद बताने की कोशिश करता हूँ पर बहुत कम लोग होते हैं कि जो लास्ट तक देख पाते हैं और देखते हैं। तो आज के लेक्चर में आई होप मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, तो उनके लिए मेरा एक मोटिवेशनल कोट है। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ वाई डू एक्सेप्ट एनी वन एल्स टू, मतलब अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, खुद को बहुत कम समझते हैं, तो आपको दूसरे से कोई दूसरा और आपकी रिस्पेक्ट करे इसके आप कोई भी इच्छा नहीं रख सकते हैं या कोई करेगा नहीं। इसलिए आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो और खुद की रिस्पेक्ट करो और खुद को कम मत समझो। सो आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबा देना, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स है वहाँ जाकर ग्रुप में ऐड हो जाना, और सोशल व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है उसमें ऐड हो जाना, और सोशल मीडिया से मुझे कनेक्ट हो, वहाँ पर मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।